हेलो स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। मैं गरिमा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा। आज एलएलबी के कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है क्षतिपूर्ति की संविदा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। तो क्या होता है क्षतिपूर्ति, क्या होती है इंडेमनिटी, क्या होती है? जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि अगर कोई क्षति हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो उससे बचाव की ये संविदा है। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति संविदा एक विशिष्ट संविदा है। इंडेमनिटी का अर्थ होता है हानि या क्षति से बचाव एवं प्रतिरक्षा, यानी कि किसी हानि से, किसी क्षति से बचाव और उसकी प्रतिरक्षा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इंडेमनिटी मीन्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और हार्म, किसी भी हार्म से, किसी भी डैमेज से प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, उसे हम कहते हैं इंडेमनिटी। कई बार ऐसी संविदाएं की जाती है जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा होने वाली हानि या क्षति की पूर्ति का दायित्व पर व्यक्ति, थर्ड पर्सन, अपने ऊपर ले लेता है। इस पर व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए दायित्व को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि ऐसी संविदा जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर हानि की पूर्ति का दायित्व ले लेता है और वो हानि कौन करेगा, कोई थर्ड पर्सन या कोई पर व्यक्ति। कोई पर व्यक्ति जब कोई हानि या क्षति अगर उसके काम से हो जाए तो उसकी क्षति की पूर्ति का दायित्व कोई थर्ड पर्सन अपने ऊपर ले रहा है। ठीक है, 124 में इसको इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। 124 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार क्या है क्षतिपूर्ति की संविदा? कोई ऐसी संविदा कि जिसमें एक पार्टी, ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को या तो खुद के काम से या किसी थर्ड पर्सन के काम से अगर उसके आचरण से कोई हानि या क्षति हो जाए तो उस दूसरे पक्षकार की हानि की पूर्ति करने का वचन वो व्यक्ति देता है, इसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वही बात कि अगर लॉस का, हानि या लॉस अगर कोई वचनदाता या फिर वो उस कोई अन्य व्यक्ति अगर कोई लॉस कर देगा तो उस लॉस को सेटिस्फाई करने का वचन दिया जाता है। इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि एक्स अगर कोई व्यक्ति है तो एक्स ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए जो वाई 2000 रुपये की धनराशि के संबंध में जेड के विरुद्ध चलाए, जेड की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। कौन कर रहा है? एक्स। एक्स संविदा कर रहा है कि वाई को अगर कोई अगर वाई जो है वो 2000 रुपये की क्षतिपूर्ति के संबंध में जेड के विरुद्ध कोई वाद चलाए,
तो उस जेड की हानि की पूर्ति करने की संविदा एक्स करता है, यानी एक्स और जेड के बीच में ये क्षतिपूर्ति की संविदा हो रही है कि कोई थर्ड पर्सन जो वाई है वो अगर कोई वाद चलाता है किसी राशि के संबंध में तो उसकी क्षति की पूर्ति एक्स द्वारा की जाएगी। ये नॉट इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आप नोट कर लेना कि उक्त प्रकार की संविदा में दुर्घटना से होने वाली हानि की संविदा सम्मिलित नहीं है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी हानि की पूर्ति, एक्सीडेंट से होने वाली हानि की पूर्ति की संविदा सेक्शन 124 कवर नहीं करती है। उसके लिए दुर्घटना से होने वाली हानि की पूर्ति की संविदा समाश्रित संविदाओं में जाएगी, न कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल।